आजा बैठ बैठ। आप लोगों ने खाना क्यों रोक दिया? तुम्हें तुम्हारा कमरा कैसा लग रहा है? खानू बहुत अच्छा है। मैंने आज तक इतना बड़ा कमरा कभी देखा ही नहीं है। गांव में तो हम एक ही कमरे में सारे सो जाते थे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना तकल्लुफ कह देना। बेटा खाना खाओ। अच्छा खा लो। हमजा इतनी रात को फोन किया है, सोए नहीं तुम अभी तक? बस तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए तुम्हें मिलने चला आया। मुझसे मिलने आ गए? कहाँ पे हो तुम इस वक्त? तुम्हारे बंगले के बाहर खड़ा हूँ और तुम्हारे दीदार का मुंतजर हूँ। मेरे घर के बाहर इस टाइम पे? हाँ हाँ, बस जल्दी से आओ, मुझे तुमसे मिलना है। हमजा तुम भी ना, मैं आती हूँ भी। ओके। शुक्र है तुम्हारे मॉम डैड सो रहे हैं, वरना मैं कभी अंदर ना आता, बस बाहर से हाथ हिलाता और चला जाता। So what? मॉम डैड तुम्हें देख भी लेते तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर तो तुमने एक दिन इस घर का दामाद बनना ही है ना। एंड यू नो वेरी वेल कि जोया किसी से डरती नहीं है। यू नो हमजा, वी बोथ मेक अ परफेक्ट कपल। बिल्कुल सही कहा है तुमने। तो फिर जल्दी से रिश्ता लेके मेरे घर आ जाओ, वरना मेरी मॉम शादी की बात छेड़ देंगी और मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ओके, तुम इस तरह टेंशन में मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा नीचे चला जाता हूँ। जोया ये कौन है? तुमने कभी इसके बारे में जिक्र नहीं किया। तुम्हारा कोई रिश्तेदार? ओह नहीं, ये हमारा रिलेटिव थोड़ी है, ये तो इस घर का नया नौकर है, आवर न्यू सर्वेंट। ओके ओके। तुम यहाँ खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। एनीवेज, थोड़ा